मूल चल रहा है, वही में कटौती है, किसान कहाँ जाए भाई। तो वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं, 1% तो सरकार तो राशन दे रही है, आवाज दे रही है। अरे राशन का क्या करेंगे भाई साहब, पेट भरते रहेंगे राशन से, बस यही एक नियत मतलब कि अपना है, पूरा सब उखड़ा हुआ है सर, और कोई काम नहीं होता है। अभी भी अभी जो बरसात होती है सर, तो रास्ते में चलते हुए लोग गिर जाते हैं, पैर भी टूट जाते हैं किसी किसी के, पूरा ऐसा ही पड़ा हुआ है। विकास का मुद्दा है, विकास हमारे तो सब हुआ, अच्छे सांसद हैं हमारे, बढ़िया सांसद हैं। पांचवें चरण में यानी 20 मई को होने वाले जालौर भोगनीपुर करौठा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, आज हम जनता के बीच पहुंचे और जानकारी करते हैं उनके क्या मुद्दे हैं जो मतदान करने से पहले उनके जहन में रहेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है भैया? तो आगामी चुनाव में आप मतदाता हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? वर्तमान सरकार तो खुश है, नहीं है, नहीं। आप पढ़ाई करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या उम्मीद है, सरकार रही तो रोजगार मिलती? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों लगता है? एक वैकेंसी निकाल लिया तो अभी तक इतने साल हो गए, कोई भी लगा, कोई भी नहीं लगा। हमारे साथ कुछ और लोग, उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम हुई आपका? तो आप मतदाता है, आगामी मतदान करेंगे, क्या मुद्दे करेंगे? नहीं, साइकिल को आप लोगों ठीक है, लेकिन वर्तमान सांसद ने काम नहीं किया? नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ सर। वर्तमान सरकार को राशन पूरा, हमारे यहाँ सर पूरा ये रोड रहता है, पूरा सब उखड़ा हुआ है सर, और कोई काम नहीं होता है। अभी भी अभी जो बरसात होती है सर, तो रास्ते में चलते हुए लोग गिर जाते हैं, पैर भी टूट जाते हैं किसी किसी के, पूरा ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो वर्तमान जो केंद्र सर, उसके कामकाज से खुश नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। युवा है, तो युवाओं को क्या प्राथमिकता है, क्या होना चाहिए देश में? इसमें कुछ नहीं सर, ये सही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और युवा, उनसे भी जानते हैं। आप युवा है, मतदाता भी है, आप आगामी 20 तारीख को किन मुद्दों को जन में लेकर मतदान करेंगे? साइकिल को देंगे, लेकिन वर्तमान सांसद ने काम नहीं किया? नहीं किया। क्या परेशानी है? परेशानी क्या है, मतलब कुछ करते ही नहीं वर्तमान सरकार में, कुछ नहीं। हमारे साथ बड़े लोग भी हैं जिनसे पूछेंगे क्या मुद्दे पर। आगामी 20 तारीख को मतदान हो रहा है, तो किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? विकास का मुद्दा है, विकास हमारे तो सब हुआ, अच्छे सांसद हैं हमारे, बढ़िया सांसद हैं। वर्तमान केंद्र सरकारी कामकाज से खुश हैं? हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विपक्ष का कहीं कोई यहाँ रोल नहीं? नहीं है, सब काम सही है। सही काम सही है। क्या नाम भाई साहब? आप मतदाता हैं, तो आपने वर्तमान सांसद से क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। एक तो बार हम गए थे मंदिर के लिए, जो हमारे यहाँ धमसेनी के एक के पास धमसेनी गाँव, तो वहाँ के लिए एक बार नल के लिए गए थे, प्लेट वाला नल रुक जाते, तो उसने बोले हाँ चलो ठीक है देखते हैं। फिर वर्मा जी विधायक जी के पास गए कि 200 मीटर का रोड दे दी, तो बोले हमारा पहले कार्यक्रम कराओ फिर हम देंगे। ये सब चीजें हैं सर, कुछ नहीं करा, कहाँ कुछ नहीं। तो आप मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? मुद्दे पूरे यहाँ पे, अभी गेहूँ चल रही थी 2300-2400 लगभग, इन्हें मंडी बंद करा के अपनी पहले ले भी लगा दी है, 2275 के लगभग उनको मूल चल रहा है, वही में कटौती है, किसान कहाँ जाए भाई। तो वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं, 1% तो सरकार तो राशन दे रही है, आवाज दे रही है। राशन का क्या करेंगे भाई साहब, पेट भरते रहेंगे राशन से, बस यही एक नियत मतलब कि अपना पेट भर रहे हैं हम। ये और कहना, जो अपन लोग काम करना चाहते हैं, कहीं जैसे मजदूरी करना चाहते हैं, पता है 300 रुपए हम किसी होने वाली है, ये आप देखेंगे आगे चल के। और हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी हैं, उनके बारे में भी कुछ लोग विरोधी पार्टी छींटाकशी करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी 5 बार सांसद बने हैं, यदि उन्होंने काम नहीं किया होता तो जनता 5 बार किसी एक व्यक्ति को अवसर नहीं देती है। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास भी किया है, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि वो जीतें और केंद्रीय मंत्री बने और पहुंच का विकास करें। ये कुछ लोग थे जो जालौर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, और ये अपने मुद्दों को लेकर आगामी 20 तारीख को मतदान करेंगे। अब देखने वाली बात है कि यहाँ जालौर से भाजपा प्रत्याशी जो वर्तमान में सांसद भी और केंद्रीय मंत्री हैं,
वो विजय होते हैं या गठबंधन प्रत्याशी के सर पर जीत का सहरा लगता है। 24 न्यूज नेटवर्क जालौन।